सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग लीगल रीजनिंग का पार्ट 3 देखने वाले हैं। आज लीगल रीजनिंग में जितने भी सारे मैक्सिम्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी सर, हमने जो है ना सर, हमने वाइस वर्सा पे हमने आके यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया था सर। ओके, तो अब ना स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ कि लिसन केयरफुली। अभी जो है वन वर्ड, बस वन वर्ड का मैक्सिम्स है, तो वन वर्ड मैक्सिम्स के इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश का, अगर आपको डेफिनेशन नहीं मालूम होता है तो आप डिक्शनरी में देखते हो ना, तो लैटिन वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स है, जिसका अगर डेफिनेशन नहीं मिलता है तो आप कहाँ पे देखते हो? मेरे चैनल पे, राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना आउट ऑफ द टॉपिक, वो आप लिख ले, ठीक है। पॉज करके वीडियो लिख ले, मैं थोड़ा डिक्टेट करने वाला हूँ कि हाँ जी इसका मीनिंग ये होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर बोलूँ मैं, अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप लिख सकते हो, लिख के रखो, सो दैट फ्यूचर में जब आप देखोगे, रीड करोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा हाँ जी इस चीज़ का मीनिंग ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो नॉट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहला होगा अपना एडहॉक, ओके। सबसे पहला डेफिनेशन होगा आज का, सबसे पहला मैक्सिम होगा आज का एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है? फॉर दी पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड, मतलब सर फॉर दी पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख सकते हो। इसका अगर मैं नॉर्मली इसका और अच्छे तरीके से आपको समझाने जाऊँ तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि सॉल्यूशन designed for a particular task, ठीक है, solution designed for a particular task, मतलब देखो for what, for a particular end, मतलब particular task, okay, और case at hand, जो भी case है उसके लिए हम लोग particular solution निकाल रहे हैं, वो होता है ad hoc, ठीक है, ad hoc, एक किसी भी particular case का या फिर particular टास्क का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि दूसरी चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने इसको पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया है, ओके, राइट, पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया है सो दैट हम लोग इस टास्क के साथ, इस केस के साथ डील कर पाए, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपका एडहॉक। उसके बाद है एट इडम या फिर एट आइडम, कुछ भी कह सकते हो। एट द सेम पॉइंट, इसका मतलब क्या है सर? एट द सेम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये आप फिर से लिख सकते हो इंग्लिश में, कमिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, कमिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट बाई टू पार्टीज, ठीक है, मतलब समझो इसका मतलब क्या हो सकता है सर? कमिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट बाई टू पार्टीज, मतलब दोनों पार्टी एक उस पॉइंट में आ जाते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी एग्री करते हैं, राइट। तो एग्रीइंग टू समथिंग और फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट, जिस पॉइंट में आके हमने ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है, हम दोनों पार्टी ने एग्री किया है, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग एट आइडम, ठीक है, एट द सेम पॉइंट, समझ में आ रहा है? क्लियर है सर? उसके बाद एडवोलरम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू क्या मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये मोस्टली जो डेफिनेशन है ना, ये आपको टैक्स में देखने को मिल जाता है, टैक्स, ये जो यूज ऑफ वर्ड है इसका हम लोग टैक्स में देखते हैं। एडवोलरम वैल्यू मतलब क्या होता है? एडवोलरम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पकड़ लो, मैं जो हूँ ना, मैं सेल करता हूँ, क्या क्या सेल करता हूँ? मैं सेल करता हूँ कार, ठीक है, कार, फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स सेल करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक कार के ऊपर पकड़ लो मेरा 10% टैक्स लग रहा है, कार का कीमत कितना है फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ जी, कार का कीमत है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख है एक कार का कीमत, राइट। और एक टू व्हीलर जो व्हीकल है उसका पकड़ लो कीमत है अराउंड 2 to 3 lakh, ठीक है भाई, इम्पोर्टेड वाले यार, ठीक है, 2 to 3 lakh, तो 2 to 3 lakh में जितना मेरे को 2 to 3 lakh में भी 10% लगाना है टैक्स, और कार में भी 10% लगाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो मेरे को इस पर भी लगाना है 10% करके टैक्स। तो अगर 10 लाख के ऊपर मैं 10% टैक्स लगाऊं और 2 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगाऊं, क्या मेरा टैक्स वैल्यू सेम रहेगा? नो, मेरा टैक्स वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ माय कार, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ माई कार एंड माई टू व्हील, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ माई कार मेरा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ माई टू व्हीलर, ठीक है, मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कितने में मैं सेल कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, कुछ भी, समझ रहे हो? हाँ जी बताओ, हाँ क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट हम देखेंगे फटाफट, ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। एल्यूएनडी, एल्यूएनडी मतलब फ्रॉम अनादो सोर्स, किसी दूसरे सोर्स से मेरे को कुछ मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कुछ एविडेंस मिला, राइट, मेरे को कुछ एविडेंस मिला है फ्रॉम अदर सोर्स, आई गॉट द एविडेंस फ्रॉम सम अदर सोर्स, आई हैव सम अदर सोर्सेस, उसका होता है हम लोग फ्रॉम अदर और अनादर सोर्स, समझ में आ रहा है? अभी देखो एमिकस क्यूरेई, ठीक है, एमिकस क्यूरेई, प्रोनाउंसिएशन करो, एमिकस क्यूरेई, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है ना भाई, इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है ना, कभी कभार कोर्ट जो है, ठीक है, कोर्ट जो है इसमें जज बैठता है, राइट, कोर्ट जो है उसमें जज बैठता है, जज कभी कभार जो है ना जजमेंट नहीं दे पाता, उसको ना कन्फ्यूजन रहता है, उसको वो लगता है कि यार इसका ये, इसका जजमेंट ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जज को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। सर ये सब तो सुनने में नहीं मिलता कि जज को भी कन्फ्यूजन होता है? हाँ बेटा होता है ना भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉलेज के टूवर्ड्स कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन केस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जज को ना दूसरा हेल्प का ज़रूरत है, दूसरे हेल्प का ज़रूरत है, जज को दूसरे हेल्प का ज़रूरत है। तो जज क्या करता है, दूसरे बंदे को कहता है कि सर आप मुझे असिस्ट कर दो, आप मुझे हेल्प कर दो इस जजमेंट को देने के लिए, जज कहता है किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। तो ये जो दूसरा बंदा हो जाता है, ये हो जाता है द फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ये हो जाता है द फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। सर ये बंदा कौन होता है, मोस्टली कौन होता है पता है? मोस्टली वकील ही होता है, मोस्टली लॉयर्स रहते हैं जो कि जज को हेल्प करते हैं। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ जी बहुत कुछ होता है, आप धीरे धीरे समझोगे, ठीक है, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा बरकर होते हैं। सो वी हैव टू लर्न ऑल दैट, ओके लेट्स गो इनटू इट, ये ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमस पॉसिडेंडी, मतलब क्या होता है एनिमस पॉसिडेंडी, मतलब इंटेंशन टू पोजेस, मतलब बोलो, देखो एनिमस पॉसिडेंडी का मतलब क्या होता है, इंटेंशन टू पोजेस, इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन, मेरे को इंटेंशन नहीं लग रहा कि आप ये चीज़ पोजेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप जो है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आपके डॉगी को लेकर जा रहे हो सुबह सुबह टहलने के लिए, ठीक है, आप अपने डॉगी को लेकर जा रहे हो सुबह सुबह टहलने के लिए, तो दूसरा जो डॉगीज है ना, आपका डॉगी बहुत छोटा है, ठीक है, तो दूसरा जो डॉगीज है बड़ा डॉगीज, तो वो आके आपके डॉगीज को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी इंटेंशन से लगता नहीं कि आप ये पोजेस कर रहे हो, ये डॉगी आपका है, आपके इंटेंशन से तो लगता नहीं है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़, इंटेंशन टू पोजेस, समझ में आ रहा है। और एक चीज़ समझना इसमें, मैं थोड़ा बाहर का बात बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर का ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा ले लो कि बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या है कि ये नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका, अगर पकड़ लो सेम डॉगी का एग्जांपल देता हूँ मैं, डॉगी आप लेकर जा रहे हो बाहर टहलने, ठीक है, डॉगी को आपने चेन से बांध के रखा है तो आप पोजेस कर रहे हो, इट इज़ इन योर पोजेशन, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेन से ना बांध के रखो तब भी आपके पोजेशन में वो है, ऐसा माना जाएगा। कभी कभार बंदे आके पूछेंगे कि सर उसको तो चेन से नहीं बांधा तो कैसे वो आपके पोजेशन के अंदर आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो उसके पोजेशन में है, वो तो चेन से नहीं बांधा। तो एक चीज़ समझो, एक चीज़ यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि किसी चीज़ को अगर आपको दिखाना है कि इट इज़ इन योर पोजेशन, तो नेसेसरी नहीं है कि आप चेन से बांध के रखो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो अभी इंटेंशन टू पोजेस का मतलब समझे, बहुत ईजी था। उसके बाद कैवियट देखेंगे, कैवियट हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने वाले अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सिस्टुई क्वी ट्रस्ट,
बोलो सिस्ट्वी क्वी ट्रस्ट, इसका मतलब क्या होता है? द पर्सन हु हैज द इक्विटेबल राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया ही इज नोन एज बेनिफिशियरीज, ठीक है, ही इज नोन एज बेनिफिशियरीज। मतलब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो बंदा इंडिया में है उसके पास कंप्लीट राइट है टू ओन ए प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है, टू ओन ए प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड बी इज बेनिफिशियरी, उसको कहते हैं हम लोग सिस्ट्वी ट्रस्ट। समझ में आ रहा है? द पर्सन हु हैज द इक्विटेबल राइट टू द प्रॉपर्टी इन इंडिया ही इज नोन एज बेनिफिशियरी। समझ में आ रहा है? हाँ, इक्वल राइट है उसके पास, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेंसस एट आइडम, देखेंगे कॉन्सेंसस एट आइडम, इसका मतलब क्या है? कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या? बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट। आई होप कि आपका जो मीनिंग्स है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। अभी ये देखो कंसेंसस एट आइडम का मतलब क्या होता है, पकड़ लो यार दो पार्टी है, पकड़ लो दो पार्टी है, पार्टी ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी, ठीक है, ये है पार्टी ए और ये है पार्टी बी, ठीक है। कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये दोनों बंदे, ठीक है, एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का कॉन्सेंट चाहिए होगा, इन दोनों का कॉन्सेंट चाहिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और दोनों ही नामंजूर थे इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। समझ में आ रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए दोनों का मंजूरी चाहिए, दोनों का कंसेंट चाहिए। कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है, ईजी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कैवियट, फाइनली कैवियट का मतलब क्या होता है? सर कैवियट का मतलब क्या होता है? बहुत ईजी है, समझो कैवेट, पहले मैं इधर पे आपको एक्सप्लेन कर दूं या फिर डेफिनेशन देखना है? बताओ फटाफट, डेफिनेशन पहले देखना या फिर एक्सप्लेनेशन? चलो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। अ कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोड टू इंडिकेट टू द ऑफिशियल्स दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैनर मेंशनड इन द कैवेट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैवेटर। मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो बंदे होते हैं, एक होता है कैवियटर, इसका बंदा, ये जो बंदा है इसका नाम है कैवियटर, ठीक है, कैवियटर, इसका नाम क्या है? कैवियटर। तो ये क्या करता है सर? ये क्या करता है? ये नोटिस भेजता है, ये नोटिस भेजता है कोर्ट को, कोर्ट को नोटिस भेजता है और बोलता है कि सर सुनिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का एक्शन लेना है ना मेरे खिलाफ़, अगर आपको किसी भी प्रकार का एक्शन लेना है मेरे खिलाफ़ या फिर कोई भी एक्ट जारी कर रहे हो आप मेरे खिलाफ़, कोई भी एक्शन जारी करो आप मेरे खिलाफ़, तो प्लीज़ आप ना मेरे को नोटिस भेज देना कि आप ऐसे करने वाले हो, ठीक है, आप ऐसे करने वाले हो, ये नोटिस मेरे को भेज देना। अगर आपको मेरे खिलाफ़ कुछ भी एक्शन लेना है तो मेरे को पहले नोटिस भेज देना सर प्लीज़, ठीक है। ये होता है आपका कैवियट, समझो। अ कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट, कोर्ट में जो है, ठीक है, एक कॉशन मतलब एक नोटिस भेजता है, इंडिकेट टू द ऑफिशियल मतलब जो बंदा बैठा है कोर्ट में उसको इंडिकेट करता है कि दे आर नॉट टू एक्ट, प्लीज़ आप एक्ट मत करिए अनटिल एंड अनलेस मेंशनड इन द कैवियट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैवियटर, ठीक है, प्लीज़ आप एक्ट मत करिए, हमको नोटिस देने के बाद ही एक्ट करिएगा, ठीक है, नोटिस देने से पहले आप एक्ट मत करिएगा या फिर नोटिस बिना देके आप कोई भी किसी भी प्रकार का एक्ट ना करिए काइंडली, समझे। तो इसको मैं समझाने के लिए इधर पे एक बार लिख कर रखा हूँ, एक बार देख लो फटाफट। इट मे बी अंडरस्टूड एज अ नोटिस गिवन आस्किंग नॉट टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु गेव सच नोटिस, ठीक है, क्लियर है, ईजी है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके नेक्स्ट। हाँ तो भाई मेरे, नेक्स्ट है अपना कॉर्पस डेलिक्टी। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है मैं बताता हूँ, कॉर्पस डेलिक्टी, ठीक है, क्या होता है ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये एक बॉडी है या फिर गिस्ट है ऑफ द ऑफेंस। क्या सर मतलब, समझाइए। मतलब ये है कि देखो, फैक्ट ऑफ अ क्राइम, लिखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट देख के लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, फैक्ट ऑफ अ क्राइम हैविंग बीन एक्चुअली कमिटेड, ठीक है, फैक्ट ऑफ अ क्राइम हैविंग बीन एक्चुअली कमिटेड। मतलब सर, मतलब ये है कि किसी भी क्राइम का जो फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, फैक्चुअल डेटा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस डेलिक्टी। समझ में आ रहा है? बॉडी, यहाँ पर बॉडी किसको कह रहा है पता है? बॉडी किसको कहा जा रहा है यहाँ पे?
they are denoting, the body is denoting about the fact of the offense. ठीक है, fact of the offense, समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ. उसके बाद है साइप्रस. साइप्रस मतलब एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिसेबल या फिर एज नियरली एज मे बी पॉसिबल. ठीक है, एज नियरली एज मे बी पॉसिबल या फिर प्रैक्टिसेबल, कुछ भी कह लो. एज नियरली एज पॉसिबल, जितना हो सके मेरे से. ठीक है, जितना हो सके मेरे से, समझ में आ रहा है? डी ज्यूरी का मतलब होता है बाई राइट इन लॉ, मतलब मेरा जो राइट है अकॉर्डिंग टू द लॉ. माई राइट अकॉर्डिंग टू दी लॉ, ठीक है, लॉ में जो मेरे लिए राइट है वो. दी हॉर्स, दी हॉर्स का मतलब क्या था? आउटसाइड, मतलब बाहर से या फिर फॉरेन, समझ में आ रहा है? बाहर से या फिर फॉरेन. तो ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स का कोई ऐसे प्रैक्टिकल यूज जो है हम लोग कर सकते हैं इन योर डे टू डे लैंग्वेज. ये टर्म्स हमको हेल्प करता है एक कोई नया भाषा जो है वो सीखने में, राइट? सो दिस, ये जो टर्म है दी हॉर्स, ये जो टर्म है ये तो फ्रेंच वर्ड है, समझ में आ रहा है? फ्रेंच वर्ड है. तो दिस इज जस्ट लाइक वी आर लर्निंग, वी आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, राइट? तो उस तरीके से लोग इजी होगा. डिनोवो, डिनोवो का मतलब क्या होता है? कहा गया, हाँ जी, डिनोवो मतलब टू मेक समथिंग न्यू, टू ऑल्टर. कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे अगर आप न्यू अरेंजमेंट कर रहे हो, मतलब न्यू चेंजेस कर रहे हो, या फिर जो पुराना चीज़ है उसमें आप ऑल्टर कर रहे हो, ऑल्टर मतलब नया चेंजेस ला रहे हो, समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं हम लोग डी नोवो. डाइस नॉन मतलब डे ऑन विच वर्क इज़ नॉट परफॉर्म्ड, उस दिन जिस दिन काम नहीं होता. ठीक है, समझ में आ रहा है? उस दिन जिस दिन काम नहीं होता, डे ऑन विच वर्क इज नॉट परफॉर्म्ड. ओके, नाउ डिसीट, डिसीट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग इंटेंडेड टू मिसलीड अनादर, एनीथिंग इंटेंडेड टू मिसलीड अनादर. सुनो, अच्छे से सुनो ये चीज, एनीथिंग intended to mislead another. ठीक है, आपने ऐसा कुछ किया with this intention, सुनो, आपने ऐसा कुछ किया या फिर कुछ भी किया with this intention कि आप दूसरे बंदे को mislead कर रहे हो. ठीक है, आपके दिमाग में ये सोच है, सोच रख के आप एक काम कर रहे हो जिससे दूसरा वाला बंदा mislead हो रहा है, भटक रहा है अपने रास्ते से, समझ में आ रहा है? mislead हो रहा है. delegate, उसके बाद देखो इधर पे, डेलीगेट पोटेस्टस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरी, और उसके बाद डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरी. ठीक है, ये दोनों मीनिंग जो है एकदम सेम है, ये दोनों जो है एकदम बराबर है. इसमें क्या बताया मैं आपको समझाता हूँ. अगर आपके पास कोई भी डेलीगेटेड पावर है, ठीक है, आपको आपको डेलीगेटेड पावर मिला है, मतलब आपको किसी ने डेलीगेट किया है विथ सम पावर्स. ठीक है, आप को किसी ने डेलीगेट किया है विथ सम पावर्स, तो वो जो पावर्स है आपका, वो आप दूसरे बंदे को डेलीगेट नहीं कर सकते. डेलीगेट मतलब ट्रांसफ़र, राइट? आपके पास एक चीज़ है, आप वो पावर किसी और दूसरे को दे दो, वो डेलीगेशन, राइट? डेलीगेट. तो अभी इसका एग्जांपल कैसे मैं समझाऊँ आपको, अगर एग्जांपल देना है तो ऐसे समझ सकते हो आप कि फॉर एग्जांपल आप जो है हो ना, आप एक आईपीएस ऑफिसर हो या फिर आईएएस ऑफिसर हो, अपने आप एक आईएएस ऑफिसर हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, राइट? आपने यूपीएससी क्रैक किया है, तो गवर्नमेंट से आपको क्या मिलता है? गवर्नमेंट आपको डेलीगेटेड पावर्स देता है, राइट? गवर्नमेंट आपको डेलीगेट करता है विथ सम पावर्स, राइट? पावर्स, राइट? आपको, आपके पास बहुत सारा पावर्स रहता है, राइट? टू सर्व द पब्लिक. तो क्या आप वो पावर्स आपके घर में आके आपके भाई को दे सकते हो? भाई मैं तो आईएएस बन गया, तू एक काम कर, मेरा पावर ले और जाके मेरा यूनिफॉर्म पर पहन के जाके बैठ जा मेरे दफ्तर पे. ऐसा कर सकते हो? नहीं, नहीं हो सकता ना. अ डेलीगेटेड पावर, एक वो पावर जो आपको डेलीगेट किया गया है, मतलब दिया गया है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर. ठीक है, वो किसी दूसरे को डेलीगेट हम लोग नहीं कर सकते. क्लियर है? उसके बाद देखो डिक्टम, डिक्टम मतलब स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज इन द कोर्स ऑफ अ डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू बी डिसीजन इटसेल्फ. मतलब जज जो है ना, जज अपना डिसीजन सुनाने के टाइम में, जज अपना डिसीजन सुनाने के टाइम में कोई भी अगर स्टेटमेंट कहे, कोई भी किसी भी प्रकार का टिप्पणी करे जज, तो वो नेसेसरी नहीं है कि वो टिप्पणी जो है वही उसका जजमेंट हो, वही उसका जजमेंट हो. समझे? समझ में आ रहा है डिक्टम. उसके बाद डिस्पोनो मतलब कॉन्वे लीगली, कोई भी चीज़ आपको कन्वे करना है इन लीगल टर्म्स, इन लीगल टर्म्स, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्वे लीगली. जैसे कि पकड़ लो आपको किसी दूसरे इंसान को
नोटिस मतलब दूसरे इंसान को कॉन्वे करना है कि आप उसके ऊपर केस कर रहे हो, तो लीगल नोटिस जाएगा उसके पास। या फिर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड एंड वाइफ है, फॉर एग्जांपल अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, राइट। हस्बैंड एंड अ वाइफ दोनों ने सोचा कि दोनों को डाइवोर्स लेना है, तलाक लेना है दोनों से, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर में डिस्कस किया कि हाँ जी ऐसा ऐसा करना है, हम वी शुड स्प्लिट टुगेदर, वी शुड स्प्लिट नाउ एट दिस मोमेंट, वी शुड स्प्लिट मतलब हमको अलग हो जाना चाहिए। तो ये लीगली कॉन्वे कैसे करेंगे, डाइवोर्स पेपर जो है ये बंदा इसको भेजेगा, राइट, या फिर ये बंदी इसको भेजेगा, समझ में आ रहा है। वो तो लीगली कॉन्वे करना, लीगली कुछ बताना कि हाँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ डाइवोर्स विथ यू, समझ में आ रहा है। ये मैंने थोड़ा हार्श एग्जांपल है यार, छोटे बच्चे हो फिर भी यार ये सारी जो चीज़ है ना पता होना दरकार है। अभी देखो एक्स टू पी कॉजा, देखो कहाँ गया मेरा कर्जर, हाँ जी आ गया, एक्स टू पी कॉजा नॉन ऑडिटोर एक्चियो, एक्स टू पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टियो या फिर एक्शियो, राइट। नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज, मतलब क्या है सर, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज। अगर आप कोई भी प्रकार का इलीगल क्राइम कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप लीगल रेमेडी नहीं मांग सकते, आप लीगल रेमेडी नहीं मांग सकते। सर डिटेल में समझाइए, सुनो भाई मेरे, भाई मेरे, अरे एक सेकंड। फॉर एग्जांपल यह है तन्नू, यह है तन्नू, राइट, यह है मन्नू, यह है तन्नू, यह है मन्नू, राइट, नहीं यार मन्नू नहीं, मुन्नी, ठीक है, MUNNI, मुन्नी, तन्नू मुन्नी। तो तन्नू जो है वो क्या किया, मुन्नी के साथ झगड़ा कर रही थी, ठीक है, और मुन्नी भी तन्नू के साथ झगड़ा कर रही थी। तो दोनों जो है मतलब झगड़ा करते 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 मार पीट पे आ चुकी थी, ठीक है। दे वर लिटरली फाइटिंग विद देयर बेयर हैंड्स, राइट, दे वर फाइटिंग विद इच अदर। तो तन्नू ने क्या किया, अगले दिन जाके कोर्ट में केस कर दिया मन्नू के खिलाफ, बोल रहे थे कि सर मेको क्या मिलना है, मेको आप जो है लीगल रेमेडी दीजिए मेरे खिलाफ, इसने जो एक्टिविटी किया है इसके खिलाफ एक्शन कीजिए, और मेरे को कंपेंसेशन चाहिए, मेरे को लीगल रेमेडी चाहिए। तो तन्नू को लीगल रेमेडी नहीं मिला क्योंकि तन्नू ने भी सेम एक्टिविटी किया है, इलीगल एक्टिविटी बाय हिटिंग मुन्नी राइट। सो अगर आप कोई भी इलीगल एक्ट, ये बस एग्जांपल के लिए, ठीक है, ज़्यादा सीरियसली मत ले लियो, ये बस एग्जांपल के लिए आप समझने के लिए, अगर आप समझ चुके हो तो अच्छी बात है मेरे लिए। बात क्या है कि अगर आप कोई भी किसी प्रकार का इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप लीगल रेमेडी नहीं मांग सकते। नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज, ये जो एक्शन है ना इसी के बारे में कह रहे लीगल रेमेडी, ठीक है, रेमेडी नहीं मांग सकते फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज, समझ में आ रहा है, बताओ फटाफट। एक्स टू पी कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्चियो, तो ब्रैकेट में लिख लो, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ। If you have done any illegal act, you cannot ask for an legal remedy, for a legal remedy. If you have done any illegal act, you cannot ask for a legal remedy. समझ में आ रहा है, आप legal remedy नहीं मांग सकती। Okay, fathom का मतलब beyond human foresight, इंसान के दृश्य से बाहर, समझ में आ रहा है। ओके, बियॉन्ड ह्यूमन फॉरसाइट। अभी देखो फेट अकम्पली, ठीक है, फेट अकम्पली का मतलब क्या होता है, थिंग्स डन एंड नो लॉन्गर वर्थ आर्गुइंग अगेंस्ट एन अकम्पलिश्ड एक्ट, ठीक है, मतलब क्या समझो, जो चीज़, ये मतलब नॉर्मल घर घर का बात है ये चीज़, ठीक है, थिंग्स डन एंड नो लॉन्गर वर्थ आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, मतलब जो हो चुका है वो हो चुका है, इसके ऊपर अगर हम लोग आर्ग्यू करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मम्मी जी, मतलब घर पे अगर कोई फाइट हो रहा है या फिर पापा जी या फिर बहन जी या फिर भैया जी, समझ में आ रहा है ना, अगर जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी इसके ऊपर फाइट करना कोई मतलब बात नहीं बनता, समझ में आ रहा है, इट इज़ नॉट वर्थ, फाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है सर, समझ में आ रहा है, जो हो चुका है वो हो चुका है, थिंग्स डन मतलब जो हो चुका है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आर्ग्यू करना,
ठीक है, आर्ग्यू अगेंस्ट, इट्स नो लॉन्गर वर्थ इट, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट, समझ में आ रहा है, एन अकम्प्लिश्ड एक्ट, जो एक्ट ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर आर्ग्यू करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, समझे भाई मेरे। अभी देखो, फैक्टम प्रोबैंडम मतलब, फैक्टम प्रोबैंडम मतलब फैक्ट इन इशू विच इज़ टू बी प्रूव्ड, फैक्ट जो है, ठीक है, फैक्ट इन इशू विच इज़ टू बी प्रूव्ड, समझो मतलब फैक्ट जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ अभी तक, दैट दे आर दी फैक्ट्स फॉर द एविडेंस और दे कैन एक्ट एज एविडेंस इन द कोर्ट, ओके, फैक्ट इन इशू बट विच इज़ नॉट प्रूव्ड, जो कि प्रूव्ड अभी तक हुआ नहीं है। फैक्टम प्रोबैंस मतलब, फैक्टम प्रोबैंस मतलब रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट मतलब रिलेटिंग टू अ इशू, समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिंग टू अ केस, अगर आपका केस चल रहा है कोर्ट में तो उस केस से रिलेटेड फैक्ट्स लाओ, समझ में आ रहा है, इररिलेवेंट फैक्ट्स मत लाना, रिलेवेंट फैक्ट्स लाना, समझ में आ रहा है, क्लियर है, रिलेवेंट फैक्ट्स, दैट वी टॉक अबाउट रिलेवेंट फैक्ट्स विच रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर केस, ओके। फिरेई नेचरी मतलब डेंजरस बाई नेचर, ठीक है, डेंजरस बाई नेचर, उसके नेचर से पता चलता है भाई कितना डेंजरस बंदी है, समझ में आ रहा ना, डेंजरस बाई नेचर, ओके। फॉर्सी मेजरी मतलब सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड वंस कंट्रोल, जिसके कंट्रोल के बाहर हो, सर्कमस्टेंसेज जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, इरिजिस्टिबल फोर्स, ठीक है, इरिजिस्टिबल फोर्स, आप रिजिस्ट नहीं कर सकते इस फोर्स को, और कंपल्शन मतलब समझो, फॉर एग्जांपल मैं अगर देसी भाषा में समझाऊँ आपको तो ऐसा आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके बाइक में बिठा कर लेकर जा रहे हो आपकी गर्लफ्रेंड को, तो गर्लफ्रेंड जो बाइक के पीछे बैठी है उसको पता नहीं है कि आपका बाइक का ब्रेक फेल्ड है, तो आपको भी पता चला, अभी फ़िलहाल पता चला, ठीक है, तो आप गर्लफ्रेंड बोल रही है बेबी घर आ गया मेरा, ड्रॉप कर दो, तो आप कह रहे हो कि दिस इज़ आउट ऑफ माय कंट्रोल, दिस इज़ बियॉन्ड माय कंट्रोल, फोर्स मेजरी, तो बंदी बोलेगी यार क्या बात कर रहे हो, फोर्स मेजरी मतलब, तब आप बोलोगे इरिजिस्टिबल फोर्स, या फिर सर्कमस्टेंस ऐसा है कि वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, ऐसा सिचुएशन है जो कि मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं इसको कंट्रोल में नहीं लेकर आ सकता, समझ में आ रहा है, बाइक जो है उसका ब्रेक फेल है, आई मीन टू से, समझ में आ रहा, सर्कमस्टेंस बियॉन्ड वन कंट्रोल, ओके। जेनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, बोलो जेनरलिया, हाँ जी, स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट मतलब जेनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल, तो स्पेशल या फिर स्पेसिफिक कह सकते हो इसको, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, अगर अपना जनरल एक्ट कौन सा है, कंपनीज़ का, कंपनीज एक्ट जो है 2013 का जनरल एक्ट है, और स्पेसिफिक एक्ट कौन सा है, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट, राइट, इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट, तो पकड़ लो कंपनीज एक्ट में एक चीज़ लॉ लिखा है और इंश्योरेंस एक्ट में भी एक लॉ लिखा है, तो आप कौन सा फॉलो करने वाले हो, आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो कौन सा फॉलो करने वाले हो, ये दोनों जो है कॉन्ट्रेरी है टू इच अदर, ठीक है, ये जो सेम लॉ लिखा है कंपनीज लॉ में भी लिखा है चीज़ और सेम चीज़, ठीक है, और सेम मतलब सिचुएशन के लिए, सेम लॉ नहीं लिखा है, सेम सिचुएशन के लिए एक एक लॉ लिखा है, इसमें थोड़ा डिफरेंट लिखा है, इसमें थोड़ा डिफरेंट लिखा है, तो कौन सा फॉलो करने वाले हो, आप स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो करने वाले हो, स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करने वाले हो, समझ में आ रहा है, दैट स्पेशल जो आपके लिए बनाया गया है ना, आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, आप उसको फॉलो करने वाले हो, ना कि जनरल कंपनीज एक्ट को, ये मैंने पहले बताया था ना, याद है सबको, ओके, इधर आ जाओ, इग्नोरेंस या लेगिस नेमिनिम एक्सक्यूसेट, बोलो इग्नोरेंस या लेगिस नेमिनिम एक्सक्यूसेट मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, अगर आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो, लॉ को अगर इग्नोर कर रहे हो तो लॉ आपको एक्सक्यूज नहीं करने वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के भाग रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, लॉ आपको इग्नोर कर देगा बेटा, धर पकड़ के पीट देगा, समझ में आ रहा है ना, फाइन लगा देगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, अगर आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो तो वो किसी को एक्सक्यूज नहीं करेगा। अभी देखो इंटरेस्ट रिपब्लिक के उट सिट फिनिस लिटम मतलब क्या है, स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन, मतलब समझो ये जो स्टेट है
और पब्लिक इंटरेस्ट है, समझो एक बात, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट मतलब द कंट्री, राइट, यहाँ पे स्टेट इन अ सेंस कंट्री के बारे में बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब द जनरल पब्लिक, राइट, जनरल पब्लिक। तो कई भी कबार क्या हो जाता है कि यार स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट की जगह डायरेक्ट एक ही वर्ड लिखा होता है, वो होता है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर चाहता है, जैसे कि स्टेट अगर चाहे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के तहत, स्टेट के इंटरेस्ट के तहत या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के तहत कोई भी लिटिगेशन जो चल रहा है उसको हम एंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर स्टेट चाहता है तो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। लिटिगेशन का मतलब क्या है सर, लिटिगेशन का मतलब क्या है सर, लिटिगेशन का मतलब बता दीजिए, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन, ठीक है, या फिर लीगल सूट कह सकते हो, लीगल डिस्प्यूट कह सकते हो, लीगल केस चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बंद कर सकते हैं इन किसके इंटरेस्ट पे, स्टेट के इंटरेस्ट पे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट पे, समझ में आ रहा है, स्टेट चाहे तो बंद कर सकता है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग बंद कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक को दिक्कत ला रहा है, वो केस जो है पब्लिक के खिलाफ जा रहा है, पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो हम बंद कर सकते हैं उस लिटिगेशन को, लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन, राइट, लीगल एक्शन, या फिर बताओ बहुत सारा है, लीगल एक्शन, लीगल सूट, लीगल डिस्प्यूट, लीगल केस, कुछ भी कह लो। अभी देखो नेक्स्ट फटाफट, इस्पो फैक्टो मतलब बाय द वेरी नेचर ऑफ द केस, केस के नेचर, केस का जो एक नेचर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बाय द वेरी नेचर ऑफ दिस कॉज आई कैन टेल दिस दैट द केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समझ में आ रहा है, इस केस के नेचर को देख के ही लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, फॉर एग्जांपल, तो बाय द वेरी नेचर ऑफ द केस, केस का नेचर क्या है वो, अभी देखो, इन प्रॉम्प्टू मतलब इन रेडीनेस, समझ में आ रहा है, इन रेडीनेस, रेडीनेस मतलब हाँ जी, ऑलवेज रेडी, बींग रेडी फॉर समथिंग, और इसको हम लोग कह सकते हैं इन हैंड भी कह सकते हैं, इन हैंड मतलब अपने हाथ में, राइट, वी आर रेडी अबाउट दिट, वी आर रेडी फॉर दिस, ओके। इनपोजी का मतलब क्या होता है, इनपोजी का मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, देर आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट द स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू ओपन आफ्टर दिस ईयर एंड्स और फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है, इज़न्ट इट, देर आर अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट COVID-19 केसेस विल गो डाउन बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, तो ये पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें हम, ठीक है। इन लिमिनी का मतलब क्या, इनिशियल स्टेज एट द आउटसेट, इनिशियल स्टेज मतलब हाँ जी बताओ, पहला स्टेज, इनिशियल स्टेज, समझ में आ रहा है। अभी देखो इन लिमिनी का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेज, समझ में आ रहा है, एक इनिशियल स्टेज पे। अभी देखो इन स्पीसी का मतलब क्या होता है, इन काइंड, उसके बाद इंटरवीवस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन, ओके, दो लिविंग पर्सन के बीच, बिटवीन। इन पर्सोना मतलब अ प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ इज सॉट अगेंस्ट अ पर्सन स्पेसिफिक, इसमें क्या बताया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें बताने का बात है, ये सारे जो है ना, ये सारे चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये सारे वर्ड्स है, एक एक वर्ड का जो है, इन रेडीनेस, उसके बाद इन स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, इनिशियल स्टेज, ये क्या मतलब, ये क्या हम लोग लैंग्वेज सीखने वाले जो कि ये पूछ रहे हमको, समझ में आ रहा है, दिस आर नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल भी आपको देख लेना है, ओके। इन पर्सोनम स्टूडेंट पूछ रहा होगा, सर आपने जो पहले वीडियोस में कवर किया वो करने से हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है बाय हुक और बाय क्रूक, वो तो छोड़ना नहीं है, लेकिन ये सारे भी जो है ये भी देख लेना है, ये भी कर लेना है, हाँ जी कर तो लेना ही है सब कुछ, अगर आपको कुछ भी मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स अगर पूछ ले बाई चांस, ICSE का पता नहीं यार, कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है लीगल लाइफ में यूज़ होता है वो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ मैं। अभी इधर देखो इन पर्सोना मतलब क्या बोले, द प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ इज सॉट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के टूवर्ड्स, समझो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के टूवर्ड्स अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोसीडिंग चल रहा है, केस चल रहा है, कोई भी स्पेसिफिक एक बंदे के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं इन पर्सोनाम, समझ में आ रहा है, हाँ जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट इन्यूइंडो मतलब एल्यूसिव रिमार्क का मतलब होता है सजेस्टिव रिमार्क, सजेस्टिव मतलब सजेशन के लिए मैंने रिमार्क किया है, समझ में आ रहा है, सजेस्टिव रिमार्क एक सजेशन दिया है, समझ में आ रहा है। जिस इन पर्सोना मतलब राइट अगेंस्ट ए पर्सन, आपका जो राइट है अगेंस्ट अ पर्सन, योर राइट अगेंस्ट अनादर पर्सन इज नोन एज जस्ट पर्सोना, जस्ट इन पर्सोना। उसके बाद जस्ट इन रैम मतलब राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा है उसके ऊपर जो आपका राइट है,
दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा है उसके ऊपर जो आपका राइट है, समझ में आ रहा है, राइट अगेंस्ट ए पर्सन एनी वन इन दी वर्ल्ड, समझो, या आप साइड में लिख सकते हो राइट अगेंस्ट ए पर्सन एनी वन इन दी वर्ल्ड, समझ में आ रहा है, उसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट दी वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। लेक्स मार्केटोरिया मतलब क्या होता है, लेक्स मार्केटोरिया, बस एक ही वर्ड में समझा दूं मैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा लिख के रखे लेकिन बहुत ईजी है, समझो, ये वर्ड लॉ मर्चेंट, द लॉ मर्चेंट मतलब, मैं समझो, मर्चेंट मतलब ट्रेडर्स जो कि ट्रेड करते थे पहले, और ये जो लॉस है ना, लॉ मर्केटोरिया, ये बहुत पहले, बहुत 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 ज़्यादा पहले ये लाया था, ठीक है। ये कौन सा लॉ है सर, ये ट्रेडिंग के लिए लॉ यूज़ किया जाता था, ठीक है, जैसे कि लोग ट्रेड नहीं करते वर्ल्ड में लोग ट्रेड करते एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो तब जो एक मर्चेंट लॉ लाया गया था उसके बारे में क्या रहा है, समझ में आ रहा है, इज अ बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल, ये एक लीगल प्रिंसिपल है, क्या सर, द मर्चेंट, ओके, द मर्चेंट लॉ, द लॉ ऑफ मर्चेंट, समझ में आ रहा है, एक लीगल प्रिंसिपल है, फाउंडेड ऑन द कस्टम ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के लिए मतलब ट्रेडर्स के लिए ये, समझ में आ रहा है, लाया गया था, इन देयर डीलिंग्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ डीलिंग करने के लिए। अभी इधर देखो, लेक्स फॉरी, लेक्स फॉरी का मतलब क्या होता है, द लॉ ऑफ द फोरम ऑफ कोर्ट, इसका मतलब समझो, द लॉ ऑफ द फोरम ऑफ कोर्ट का मतलब समझो, ये आप इंग्लिश में लिख लो, मैं आपको फटाफट बताता हूँ, द लॉ ऑफ लैंड, द लॉ ऑफ द लैंड लिख लो, द लॉ ऑफ द लैंड मतलब समझो, ये मैं समझाता हूँ आपको, आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका में हो, अमेरिका में अलग लॉ है, राइट, तो द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ अमेरिका, समझ में आ रहा है, आप जिस जगह पे हो जहां पे आपका केस चल रहा है, जहां पे आपका केस चल रहा है, उस जगह का, उस लैंड का लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लॉ, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, तो लैंड लॉ क्यों कह रहे सर, लैंड के बारे में क्यों कह रहे सर, क्योंकि उसी लैंड पे तो कोर्ट है ना, उसी कोर्ट में लॉ है, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए यहां पे कोर्ट लिखा, समझ में आ रहा है, तो अगर अमेरिका के कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो उस कोर्ट का लॉ, उस कोर्ट का लॉ, समझ में आ रहा है, द लॉ ऑफ द फॉर्म ऑफ कोर्ट। लिस्ट का मतलब समझो, अ सूट कॉज ऑफ एक्शन, अ सूट कॉज ऑफ एक्शन मतलब एक केस जो कि किसी भी प्रकार के एक्शन के लिए हमने लाया है, ठीक है। अभी इधर देखो, मैनिस्यूटी नेचुरी मतलब हार्मलेस बाय नेचर, एक था डेंजरस बाय नेचर, एक था हार्मलेस बाय नेचर। उसके बाद मिसी प्रॉफिट्स, अभी इसको ना देखो, ये जो वर्ड है मिसी या फिर मिजनी, बहुत सारे लोग इसको मिजनी कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं इसको मिसी प्रॉफिट्स, ठीक है, तो ओरिजिनल जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो मिसी प्रॉफिट्स है, लेकिन भैया किसको देखना है बेटा, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने बताया कि ये जो है मिजनी प्रॉफिट बहुत सारे कहते हैं, लेकिन ये जो है मिसी प्रॉफिट है। अभी समझो एक बात, द रेंट एंड प्रॉफिट विच अ ट्रेसपासर हैज रिसीव्ड मेड ड्यूरिंग हिज ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइस, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप यहाँ से पढ़ने वाले हो तो, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप यहाँ से पढ़ने वाले हो तो, मैं आपको एक डेफिनेशन लिखने के लिए बोलता हूँ, मैं एक डिक्टेट करता हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए वो चीज़, सो दैट ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ओके लिखो, रॉन्गफुली रिसीविंग प्रॉफिट फ्रॉम अनदर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी दूसरे के इमूवेबल प्रॉपर्टी से आपका जो इलीगल रॉन्गफुल प्रॉफिट मिलता आ रहा है, किसी दूसरे के इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका रॉन्गफुल प्रॉफिट आता रहा है, उसको कहते हैं हम लोग मिजनी प्रॉफिट, ठीक है, या फिर मेसी प्रॉफिट, ओके, मेसी प्रॉफिट, समझ में आ रहा है, ठीक है। रेंट और एंड प्रॉफिट क्यों बोला, समझो एक बात, रेंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, तो लैंड के ऊपर क्या मिलता है, रेंट, राइट, वहाँ पे आप बिल्डिंग बना के रखे हो या फिर आपका बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई बंदा इलीगली रॉन्गफुली प्रॉफिट ले रहा है उस बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग का रेंट वो हथिया रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग मिसी प्रॉफिट या फिर मिजनी प्रॉफिट। उसके बाद देखो, मिजनोमा अ रॉन्ग नेम मतलब एक गलत नाम, बट इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, एक गलत नाम, इसको कहते हैं हम लोग मिसनॉमर, ठीक है। अभी देखो, क्यूअर टिमिट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव जस्टिस फॉर फियर, इट इज़ एन एक्शन ब्रॉट टू प्रिवेंट अ रॉन्ग दैट इज एप्रीहेंडेड, मतलब बताओ सर, इसका मतलब बताओ, हाँ जी, मतलब बताओ, क्यू अटिमेट, प्रोटेक्टिव जस्टिस फॉर फियर, इट इज़ एन एक्शन ब्रॉट टू प्रिवेंट अ रॉन्ग दैट इज एप्रीहेंडेड, मतलब ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है, समझ में आ रहा है, ये एक जो एक्शन है ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है, ब्रॉट टू प्रिवेंट ए रॉन्ग,
ठीक है, टू प्रिवेंट एक गलत चीज को ना होने के लिए, रोकने के लिए हम लोग ये एक्शन लाते हैं, समझ में आ रहा है? क्यू अटिमेट। अब देखो क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो मतलब समथिंग फॉर समथिंग, मतलब क्या है समथिंग फॉर समथिंग, इसको आप इंग्लिश में अच्छे से लिखो यार, बुक में क्या क्या लिख के रख देते हैं समझ में नहीं आता कभी कभार। ये जो है ना, आप एक चीज़ समझ लो, ये सारे जो लिखा है ना, ये आप कंफ्यूज मत होना फ्यूचर में, ठीक है। ये तो आपके आपके पीडीएफ में जो लिखा है, मैंने यहाँ पर यही लिखा सेम टू सेम, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। स्टूडेंट्स पूछते सर पीडीएफ में अलग लिखा है, आपने अलग लिखा है। तो बात ये है ना कि इन सारे की जो मीनिंग्स है ना, समझ में आ रहा है, ये सारे वर्ड का जो मीनिंग है, वो जो आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे इस मीनिंग को, एक पर्टिकुलर वर्ड्स लिख के, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना के, बहुत सारे वर्ड्स को आप जोड़ के, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स को आप जोड़ के क्या करते हो, एक वर्ड का मीनिंग निकालते हो, राइट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिएट करते हैं, राइट, हम लोग इंटरप्रिएट करते हैं, हम लोग रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हैं। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब किसी वर्ड को समझने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर मीनिंग विद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ये सारे जो वर्ड्स है, ये अलग अलग रहता है अलग अलग बुक्स में, अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग लॉ के बुक्स में अलग अलग रहता है ये बुक, ये सारे वर्ड्स, समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज समझना, अलग अलग तो रहता है लेकिन मीनिंग जो है ना, घूम फिर के एक ही जगह पे आके अटक जाता है, सुई जो है एक ही जगह पे आके अटक जाता है, समझ में आ रहा है। अभी ये जो समथिंग फॉर समथिंग लिखा है, मतलब बहुत भद्दा लिखा है, आपको लिखना है यहाँ पे, लिखो मैं बोलता हूँ, फेवर और एडवांटेज लिखो, फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, लिखो फटाफट, फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। मतलब कोई बंदे को, किसी बंदे को हम अगर फेवर कर रहे हैं, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का एडवांटेज ग्रांट कर रहे हैं उसको, दे रहे हैं उसको, फेवर दे रहे हैं उसको, तो इन रिटर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को हम लोग इन रिटर्न, कोई भी चीज़ हमको चाहिए इसीलिए हम लोग वो ग्रांट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ग्रांट करे, कोई भी चीज़ हमको चाहिए इसीलिए हम उसको ग्रांट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, कुछ चीज़ चाहिए मेरे को, उसके लिए मैं ये फेवर कर रहा हूँ, अगर तेरे को ये चीज़ चाहिए तो तेरे को मेरे को एक फेवर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, वो वाला सीन है यहाँ पे। समथिंग फॉर समथिंग कौन समझ पाएगा बेटा, मेरे को बताओ ये समथिंग फॉर समथिंग ये क्या है भाई, भाई यार ओके इधर आ जाओ। रिस इप्सा लॉकिटो मतलब द थिंग स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, वो ये जो चीज़ें है, सिचुएशन है, वो अपने आप में बोल देता है बहुत कुछ, ठीक है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन, द थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ, समझ में आ रहा है। आपकी जो प्रूफ है, आपका जो एविडेंस है कोर्ट में पेश किया गया, वही सारा जो फैक्ट है, मैटर ऑफ कॉज है, वो सारा जो चीज़ है वो एविडेंस ही बोल रहा है, आपको बोलने का कोई दरकार नहीं है, आप कितना झूठ बोल रहे साहब, आपको कुछ बोलने का दरकार नहीं है। द थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ, द थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ और इट्सेल्फ, समझ में आ रहा है। इधर देखो, अभी हम लोग देखेंगे इधर पे क्या बोला गया है, इधर पे आ जाओ फटाफट फटाफट सर, बहुत सारा है। रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, ये तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है प्रिंसिपल और एजेंट का। यार एजेंट को क्यों पकड़ रहे हो, एजेंट को छोड़ो, मेन मालिक को पकड़ो, प्रिंसिपल को पकड़ो, समझ में आ रहा है। लेट द प्रिंसिपल बी लायबल ऑफ द कॉज। अभी देखो रेस जेस्टे, रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स रिलेवेंट टू द केस और एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है, वो फैक्ट जो कि केस से रिलेट करता है, वो फैक्ट जो कि केस से रिलेट कर रहा है, जो कि हम लोग एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं इन द कोर्ट। नाउ देखो रूल निसी का मतलब क्या होता है, रूल निसी का मतलब होता है अ रूल विच विल बिकम इम्पेरेटिव and final unless cause to be shown against it। अगर आप सुनो भाई, मैं हूं कोर्ट, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा यार ये जो रूल है ना, ये मैं फाइनल कर दूंगा। इंपेरेटिव का मतलब क्या है बताओ, क्रूश इंपेरेटिव का मतलब क्या बताओ, हाँ जी इंपेरेटिव का मतलब होता है क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकम इम्पॉर्टेंट, ये जो रूल है ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये जो रूल है ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मैं इस रूल को फाइनल कर दूंगा अगर आपने कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं दिखाया मेरे को कि मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए ये चीज़, मुझे क्यों नहीं ये रूल को इम्पेरेटिव बनाना है या फिर फाइनल करना है ये रूल, अगर आपने सफिशेंट कॉज नहीं दिखाया, ठीक है तो वो जो रूल है मैं उसको इम्पेरेटिव कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा, इंपॉर्टेंट बना दूंगा, जरूरी नेसेसरी सब कुछ बना दूंगा, समझ में आ रहा है, ये है रूल निसी। अभी देखो इधर पे क्या बताया गया, श्री
फैकियस मतलब श्री फैकियस मतलब यू योर कॉज टू नो, ठीक है, योर कॉज टू नो. What is the cause behind the thing that you want to know this? You understand this? Your cause to know. उसके बाद status quo मतलब the existing state of things at any given time. For example, एक any given time situation date पे कोई भी चीज़ का situation क्या है, ठीक है, कोई भी चीज़ का situation क्या है. For example, मैं अगर बताऊँ आपको कि यार history का बात करते हैं, ठीक है, यार 1980 में इंडिया का क्या हाल था, तो at that state, at that given date, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग स्टेट क्या था इंडिया का, वो बताओ. समझ में आ रहा है, स्टेटस क्वो. उसके बाद देखो ये जो वर्ड है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्चुअली ये बेकार में देकर रखा है, ठीक है. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. इंजुरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स इट. इंजुरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स इट. ठीक है, यहाँ से पढ़ना है. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी मतलब इंजुरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विलिंग विल सेट. मतलब समझो, सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपके दिमाग में घुसने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर यार एक टेररिस्ट जो है ना छुपा है एक बिल्डिंग में, ठीक है, पुलिस बाहर से अनाउंस कर रहा है कि सर नहीं, टेररिस्ट को सर थोड़ी ना बोलना है. अगर बोलना है अबे निकल बाहर, ठीक है, बाहर निकल वरना मैं शूट कर दूंगा, बाहर से मैं फायर करना चालू कर दूंगा, टेररिस्ट को बोला, तो टेररिस्ट को पता है कि पुलिस जो है वो फायर कर देगा, लेकिन टेररिस्ट निकला नहीं बाहर से और टेररिस्ट लास्ट में मारा गया या फिर ही वॉज बैडली इंजर्ड, ठीक है. तो ये जो इंजुरी हुआ ना इसको, इसके खुद के वजह से विलिंग, वो विल मतलब वो चाहता था कि उसका इंजुरी हो जाए. क्यों सर? क्योंकि उसको तो बताया गया था कि इंजुरी होगा. समझ में आ रहा है, लेकिन तू क्यों छुप के बैठा था? समझ में आ रहा है ना बात? तो खुद के मतलब खुद अपने पैर में किला कुलारी मारना. समझ में आ रहा है ना वो वाला सीन. स्पेस सक्सेशनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ अ पर्सन टू सक्सीड एज हेयर ऑन द डेथ ऑफ अनदर. मतलब क्या, कोई बंदा गुजर जाने के बाद उसके जगह पे जो सक्सेसर रहता है, ठीक है, उसके जगह पे जो हेयर रहता है, लीगल हेयर्स, समझ में आ रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है. अ पर्सन बिकमिंग ए लीगल हेयर आफ्टर डिमाइसिंग ऑफ अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रैंडफादर का डेथ हो जाता है तो ग्रैंडफादर का जो मतलब लीगल हेयर है वो कौन बनता है? उसके, हाँ जी बताओ कौन बनता है? उसका वाइफ एंड द चिल्ड्रेंस. वाइफ एंड द चिल्ड्रेंस, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुप्रीसियो वेरी. सुप्रीसियो वेरी का मतलब क्या होता है? सर लास्ट दो है भाई मेरे, खत्म हो जाएगा फटाफट. सुप्रीसियो वेरी का मतलब क्या होता है? सप्रेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज को सप्रेस कर देना, पहले का जो नॉलेज है उसको सप्रेस मतलब उसको दबा देना. समझ में आ रहा है? उसको दबा देना, सप्रेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज. स्यू ज्यूरिस का मतलब क्या होता है? ऑफ हिज ओन राइट, उसका खुद का राइट. सिंप्लिसिटर मतलब सिंपली है भाई, विदाउट एनी एडिशन, सिंपल बात है भाई. ये सारे वर्ड क्यों ऐड करके रखा है मुझको पता नहीं है, लेकिन सीरियसली मतलब समझो एक चीज़, सिंप्लिसिटर मतलब सिंपली विदाउट एनी एडिशन. ये मतलब दरकार नहीं अपने लॉ के लीगल भाषा में, लेकिन अपने को तो पूरा लैटिन भाषा सीखना है भाई. सिंपली विदाउट एनी एडिशन मतलब क्या होता है? सिंपली जो है वो है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड को वो कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट. तो आप क्या कहोगे? शी इज़ सिंपली ब्यूटिफुल. शी इज़ सिंपली ब्यूटिफुल विदाउट एनी एडिशनल मेकअप. विदाउट एनी एडिशनल बोलो मेकअप. सिंपली सेटर, समझ में आ रहा है? सिंपली सिंपल भाई, एकदम ओरिजिनल. अभी देखो, सेंटर का मतलब क्या होता है? बींग अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेज. आपको पता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाला है, आपको पता है कि अभी क्या होने वाला है. सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन, ठीक है, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, आपको पता है सर्कमस्टेंसेस क्या है. अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका सर्कमस्टेंस क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुत्ता बांध के रखा है, आपने एक डॉगी को बांध के रखा है आपके घर में, और ये डॉगी जो है पालतू डॉगी नहीं है, बहुत ही मतलब रेयर किस्म का डॉगी है, आपने इंपोर्ट करके लाया. मतलब बहुत 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 सारे केसेस आते हैं, आपने पता नहीं है यार डॉगी अपने ओनर को खा जाता है. समझ में आया? तो वैसा करके, तो आपको तो पता है यार कि सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं इस भयानक डॉगी को ला कर रखे हो. समझ में आ रहा है? आपको तो सर्कमस्टेंसेस पता ही है. तो अगर ये डॉगी किसी भी प्रकार का हार्म कर रहा है, किसी भी प्रकार का हार्म कर रहा है किसको, हाँ जी किसी को,
किसी को भी, तो बेटा आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं था सर, आपको अवेयर था, यू आर बीइंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। अगर ये काटा किसी को तो क्या हो सकता है, आपने बिना ही उसको रस्सी से बांधे हुए एम ही छोड़ दिया, समझ में आ रहा है, बीइंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, आपको पता है। सीन क्वा नॉन मतलब एन इंडिस्पेंसेबल कंडीशन, इंडिस्पेंसेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन जो कि बहुत नेसेसरी है, इंडिस्पेंसेबल मतलब नेसेसरी कंडीशन। सिटस मतलब क्या होता है, पोजिशन सिचुएशन लोकेशन। ट्रावक्स प्रिपेरेटोरियस मतलब प्रिपेरेटरी रिकॉर्ड्स, जो कि प्रिपेयर कर रहे हो आप रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्ड्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, ओके, फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एनी थिंग, राइट। प्रिपेरेटरी रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्ड्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड्स फॉर अ स्पेशल रीजन, ओके, और फॉर अ स्पेसिफिक रीजन प्रिपेरेटरी रिकॉर्ड्स। अभी देखो ओबी जूस ईबी रेमेडियम मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, अगर आपके पास राइट है तो वहाँ पे रेमेडी भी होगा। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल आपके पास राइट है, कोई भी बंदा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो वहाँ पर रेमेडी भी मिलता है ना, कोर्ट जाओ केस करो रेमेडी मिलेगा, रेमेडी मतलब आपके साथ न्याय होगा, ओके, सत्य में विजेते। अभी देखो उट लाइट पेंडेंटी निहिल इनोवेटर मतलब नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लिटिगेशन, जब एक कोई भी चीज का फाइनल डिसीजन सुनाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, ओके, नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लिटिगेशन, जब एक प्रोसेस चल रहा है ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन लिया जा रहा है ना, तब कोई नया चीज इंट्रोड्यूस नहीं करना भाई मेरे। यू सी फ्रिक्यूटरी मतलब वन हु हैज़ द यूज़ एंड रीप्स द प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी बट नॉट ओनरशिप, ये इसके बारे में आप समझो, एक चीज़ बहुत ईजी है, वो बंदा जैसे कि पकड़ लो इसका एग्जाम्पल दूँ अगर मैं, तो आप और आपके पप्पा, ठीक है, आपके पप्पा का जो घर है ये कि आपका प्रॉपर्टी नहीं भाई सर, ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का फल आप तोड़ के खा रहे हो, हाँ जी सर फल मैं तोड़ के खा रहा हूँ, इस घर में मैं रह रहा हूँ सर, मैं पूरा आराम से बिता रहा हूँ सर, तो इसका जो प्रॉफिट है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वो तो आप ही रिप कर रहे हो ना, रिप मतलब आप ही ले रहे हो, ठीक है, आप ही यूज़ कर रहे हो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, बट ओनरशिप तो आपके नाम पर नहीं है ना भाई मेरे, ओनरशिप किसके नाम है, पप्पा के नाम पर। अब इधर आ जाओ फटाफट, लास्ट दो बचा है, बहुत ईजी है, विजिलेंटी ब्यूसेट नॉन डॉर्मिनिस डॉर्मिनटिवस ज्यूरा सबवेनियंट मतलब क्या होता है, द लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु आर स्लम्बर एंड लेजी। देखो इसका मतलब मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि लॉ विल हेल्प दोज हु आर केयरफुल अबाउट इट, राइट, बट नॉट दोज हु आर केयरलेस, जो केयरलेस है, स्लम्बर है, लेजी है, उसको लॉ हेल्प नहीं करने वाला, समझ में आ रहा है। आपके राइट को लेके बहुत केयरलेस थे, आपके राइट को लेके आप बहुत केयरलेस थे, तो लॉ जो है आपको हेल्प नहीं करने वाला, बिकॉज यू आर केयरलेस अबाउट योर राइट। अभी देखो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया डैमेज सफर्ड बाई कंसेंट गिविंग नो कॉज ऑफ एक्शन, डैमेज सफर्ड बाई कंसेंट गिविंग नो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब बताओ डैमेज जो किया है ना वो आपके कंसेंट से हुआ है सर डैमेज, हाँ जी। इसका मैं इंग्लिश में फटाफट अच्छे से बोल देता हूँ, यार बेकार में ये सब लिख के रख देते हैं, इसका जो मीनिंग है ना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ, आप फटाफट लिख लो, नोइंगली लिखो, मैं बताता हूँ, नोइंगली प्लेस्ड देमसेल्फ इन अ पोजिशन वेयर हार्म माइट बी रिजल्टेड, या फिर हार्म माइट रिजल्ट, ठीक है, हार्म माइट रिजल्ट, ओके, नोइंगली प्लेस themselves इन ए पोजिशन वेयर हार्म माइट रिजल्ट। आप जानबूझ के आपके पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, जानबूझ के आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में दे रहे हो, डाल रहे हो जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, समझ में आया बात भाई मेरे, बताओ फटाफट, क्लियर है सर। भाई आज का जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसी के साथ आपका जो पूरा ख़त्म हो चुका है, आपका जितना भी सारा था वो एकदम ख़त्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।